Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel. Today's recipe name is banana egg cakes. तो चलते हैं इसकी recipe की तरफ. Banana egg cakes बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 eggs हैं, जिसको मैं अब इस bowl में pour करके इसको अच्छी तरह से beat करूँगी. जितना अच्छा beat करेंगे उतना अच्छा जो है banana egg cake हमारा तैयार होगा. आपने इसको कम से कम 4-5 मिनट मिक्स करना है, इसे बीट करते जाना है आपने. देन आपने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देना है. नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसमें 1 टेबलस्पून शुगर को ऐड कर देना है. शुगर 1 टेबलस्पून सिर्फ आपने ऐड इसलिए करनी है क्योंकि जो बनाना है वो ऑलरेडी मीठे होते हैं, तो अगर आप चीनी ज़्यादा डाल देंगे बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा. अदरवाइज चीनी जो है शुगर वो आपके टेस्ट के मुताबिक है. इफ़ यू वॉन्ट मोर स्वीटनेस देन यू कैन ऐड मोर शुगर. अब आपने इसको अच्छे से बीट करना है, मैक्सिमम 5-6 मिनट्स बीट करना है आपने एग्स को. एग्स हो चुके हैं बीट. अब यहाँ पे मेरे पास है फ्लोर यानी कि मैदा 1 कप, जो मैं इसमें ऐड करके इसको अच्छे से बीट करूँगी. आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसमें ऐसे, और आपने इसको आराम आराम से मिक्स करते जाना है. एक प्रॉपर इसकी थिक शेप आ जाएगी. ये देखें, अब ये ऐसा कुछ इसकी शेप आ गई. अब हमने इसमें ऐड करना है मिल्क. 1/2 कप मिल्क इसमें ऐड करेंगे हम. ये भी आपने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके पोर करना है, और आपने इसको ऐसे मिक्स करना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी आ जाए और ये एक थिक मटेरियल बन जाए. ये देख सकते हैं अब आप स्क्रीन पे कि ये अच्छे से हो चुका है बीट. अब चलते हैं हम इसकी केक बनाने की तरफ, एग बनाना केक्स. अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपके पास अगर ब्राउन शुगर है या वाइट शुगर है, दोनों शुगर में से जो शुगर आपको पसंद है, आपने इसको ऐसे इसके चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देना. विद द हेल्प ऑफ हैंड्स आप इसको ऐसे स्प्रेड कर दें चारों तरफ. ये देखें ऐसे बिल्कुल. अब जो बनानास कट किए थे इन्हें मैंने देखें सारे बनानास को फ्राइंग पैन पे टर्न बाय टर्न ऐसे रख दिया. पहले हमने चीनी को उस पर पोर किया और देन हमने बनानास रख दिया. अब जो मटेरियल हमने बनाया था ये हम इसमें पोर कर देंगे, और लो फ्लेम पे आपने ये तैयार करने है केक. ये देखें ऐसे आपने इसको इस तरह से करना है. ये लीजिए, ये इसकी प्रॉपर शेप राउंड पे हम आ गई. अब हमने इसको लो फ्लेम पे जो है पकाना है. प्लीज़ जब भी कुकिंग करें बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे मत कोई ऐसी चीज़ पकाएं, क्योंकि वो जल जाती है या अकड़ जाती है, सख्त हो जाती है. अब हमने इसको कुक करना है, उसकी साइड्स को दोनों तरफ से पकाना है. आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो रहा है, इट्स मीन कि ये तैयार हो रहा है. नीचे से भी अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि दोनों तरफ से ये कुक हो जाए. जब आपने साइड चेंज करनी है ना, तो आपने थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर देना है, और अगेन हमने वही जो हम बना रहे थे केक इसमें दोबारा से ऐड कर देना है, ताकि ईजिली हमारा जो केक दोनों साइड से कुक हो जाए. ये देख लें एक साइड इसकी हो चुकी है, अब सेकेंड साइड हम इसकी तैयार करेंगे. सो व्यूअर्स, बनाना एग केक्स रेडी हो चुके हैं. मैंने इनके कुछ स्मॉल पीसीस कर दिए और उस पर चॉकलेट का जो मटेरियल था वो पोर कर दिए. आपकी मर्ज़ी आप इसमें ऐड करिए या ना करें, ये बहुत मज़े के होते हैं, और स्पेशली उनके लिए जिनको बनानास बहुत पसंद हैं. तो प्लीज़ आप इसको ट्राई करें. मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपने काफ़ी पसंद की होगी. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. अपना ख्याल रखें, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.